हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप अपने फ़ोन या DSLR के लिए एक ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको गोरिल्ला ट्राइपॉड खरीदना चाहिए या फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड खरीदना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, मैंने ये ट्राइपॉड ही क्यों परचेज़ किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव ध्रुव, आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल GD क्रिएशन में। हमने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसकी जो प्राइस पड़ी हमको 680 रुपये में, 1 रुपये कम। ये है एडोफिस कंपनी का फ्लेक्सिबल गोरिल्ला ट्राइपॉड। बॉक्स में कुछ डिटेल लिखा गया है कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। ये क्या गिरा, ये है मोबाइल होल्डर। इसकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो आप गोरिल्ला ट्राइपॉड लेते हैं उसके साथ जो फ़ोन होल्डर आता है वो काफ़ी बेकार पतला सा होता है। उसके मुताबिक ये जो होल्डर आपको मिला दिया गया है काफ़ी अच्छा है। इसमें आप आसानी से मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं, जिससे मोबाइल गिरेगा नहीं। इसको रखते हैं अपन साइड में। ये रहा हमारा मेन ट्राइपॉड, जो काफ़ी छोटा सा प्यारा सा लग रहा है आपको। ये ब्लैक वेरियंट में, इसके रेड वेरियंट भी आता है जो 12 इंच का रहेगा। ये 10 इंच का ट्राइपॉड है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ आसानी से ऐसे रख सकते हैं, इसको पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे फ़ोन और DSLR में कैसे अटैच कर सकते हैं। चलिए आगे। मैंने गोरिल्ला ट्राइपॉड नहीं लेके ये फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसको आसानी से कहीं भी मोड़ सकते हैं, बल्कि गोरिल्ला ट्राइपॉड को इतना ज़्यादा नहीं मोड़ सकते आप। और इसकी जो ग्रिप, जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं ये। और यहाँ पर आपको एक लॉक देखने को मिलता है, आप इस यहाँ ये देख सकते हैं, इसको घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, जिससे ये खुलेगा नहीं। फिर से घुमाने पर इस तरह फिर घुमा देंगे, जिससे लॉक खुल जाएगा, जिससे ये ट्राइपॉड खुल जाएगा, जिससे ट्राइपॉड ऊपर आ जाएगा आसानी से। चलिए अब इसको अटैच कर देखते हैं कि इसको किस तरह अटैच कर सकते हैं। आसान है, बस इसको ऐसे लगाना है और ये घुमा देना है, जिससे आसानी से अटैच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी तरह से इस तरह से एकदम कस दें इसको। यहाँ से आप इसको ढीला भी कर सकते हैं, ऊपर का जो पेच है ये आसानी से 360 में घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको टाइट कर सकते हैं। चलिए इस होल्डर को लगाते हैं। यहाँ पर होल्डर के लिए दिया है कि यहाँ दो जगह अटैच कर सकते हैं। पहले अपन यहाँ अटैच करके दिखाता हूँ आपको, इसको इस तरह से भी कसना है। ये देखो हमारा ट्राइपॉड तैयार हो चुका है। चलिए मैं इसमें फ़ोन को किस तरह फोल्ड कर सकते दिखाता हूँ। ये हमारा फ़ोन, आप इसको यहाँ आसानी से यहाँ खींचे और यहाँ पर अपना फ़ोन फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोन होल्ड हो गया है और बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि जितना भी ला लो आपका फ़ोन सेफ है इसमें। यहाँ से आप सेल्फी या ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से फ़ोन नहीं गिरेगा आपका। चलिए अपन फ़ोन को निकालते हैं इस तरह से, और दूसरी तरह से किस तरह अटैच कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। या आप साइड से भी इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इस तरह आप इसको अटैच कर सकते हैं और इसको इस तरह से खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोबाइल नहीं गिरेगा आपको। ये देख सकते हैं, आपको जिस एंगल में करना है उस एंगल में यहाँ से आप ढीला कर सकते हैं और आपको जिस एंगल में इसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको टाइट कर सकते हैं, और वीडियो या फ़ोटो या टाइमलेस वीडियो आप शूट कर सकते हैं इसमें। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको मोड़ भी सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे चाहे वैसे मोड़ कर कहीं पर अटैच कर सके, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। यहाँ पर मोबाइल चला भी सकते हैं, मूवी देख सकते हैं घर में है तो। चलिए इसको निकालते हैं अपन, और DSLR में किस तरह इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। निकाल लेते हैं पहले इसको। हमारे पास जो DSLR है वो कैनन 200D Mark II है। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैं मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से जो पेच होता है सभी DSLR में दिया रहता है, जिससे आप
किसी भी ट्राइपॉड को आसानी से अटैच कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। DSLR अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा ढीला है इसलिए मुड़ गया यहाँ पर। चलिए पहले हम इस जो नीचे में ऑप्शन दिए इसको कड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप कड़ा कर लेंगे जिसे टाइट हो जाएगा, जिसे नहीं हिलेगा। आप आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं या कहीं पर रखकर टाइमलेस वीडियो शूट कर सकते हैं। इसकी जो पकड़ काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी लाइट वेट है। इस तरह से आप स्क्रीन को रोटेट कर आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हैं आसानी से ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है। इसमें आपका DSLR बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, आप देख सकते हैं। अपन DSLR को पहले निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरी तरह से भी किस तरह इसको अटैच कर सकते हैं बताता हूँ। सबसे पहले ये पेज को निकाल लें इस तरह से, फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है दिखाता हूँ कि यहाँ पर फिर से अटैच कर सकते हैं इस तरह से DSLR को। उस पेज को निकालने से इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो पकड़ बनता है वो काफ़ी मजबूत बनता है। यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पकड़ है ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है। कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, मतलब गिरेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। मार्केट में आपको काफ़ी सारे फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही कि आप एडोफिस कंपनी का ही फ्लेक्सिबल गोरिल्ला ट्राइपॉड ही परचेस करें। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।